और इसी बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है जहां राहुल गांधी बनेंगे नेता विपक्ष। सूत्रों के मुताबिक ये पूरी जानकारी है, सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस में अंदर खाने विचार चल रहा है कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष बने। जल्द ही कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होगी, बैठक में लोकसभा में कांग्रेस का नेता तय किया जाएगा। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर और विवेक तन्खा ने खुलकर राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने की मांग की। तो नेता विपक्ष बनाने की मांग की जा रही है और ये देखिए लगातार जो इंडिया गठबंधन है उनकी मीटिंग चल रही है और सीधे रुख करेंगे संवाददाता अशरफ काजमी जुड़ गए हैं। अशरफ, राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने को लेकर विमर्श हो रहा था, साफ हो चुका है कि राहुल गांधी नेता विपक्ष बनेंगे? बिल्कुल, देखिए काफी हद तक संभावनाएं हैं कि अब जो कांग्रेस का नेता विपक्ष की जिम्मेदारी होगी वो राहुल गांधी के कंधों पर होगी, क्योंकि कांग्रेस के पास एक बड़ा जनाधार अब मिला है। उनके पास करीब करीब 100 सीटों के आसपास है, 99 सीटें इस चुनाव में आई हैं और अभी तक जो उनकी पिछली लोकसभा में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे थे अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल से, वो चुनाव हार गए हैं। और दूसरा ये कि कांग्रेस में इस वक्त और कोई इतना मजबूत चेहरा नजर नहीं आ रहा जो मजबूती से अपनी बात रख सके। जैसे राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, भारत जोड़ो नया यात्रा निकाली, तो तमाम उन्होंने लोगों को अपने साथ जोड़ा और एक तरह से वो एक नई रिफॉर्म किया। काफी लोग इस दौरान उनका साथ छोड़ के चले गए, लेकिन अब पार्टी ने जो नतीजे आए हैं उससे काफी उत्साहित है और इसका पूरा श्रेय कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को दिया जा रहा है। जिस तरह से वो जमीन पर उतरे और आम लोगों से कनेक्ट हुए और जनता की बात को रखा, अब उसी उन्हीं मुद्दों को लेकर उन्हीं बातों को देश की सबसे बड़ी पंचायत में राहुल गांधी मजबूती से रखे, इसकी जो एक लॉबिंग है वो शुरू हो चुकी है। और अंदर खाने जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चाहे वो विवेक तन्खा हो या मणिकम टैगोर हो या दूसरे मनीष तिवारी हो, दूसरे जितने भी बड़े नेता हैं, सब ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से लोकसभा में नेता राहुल गांधी को बनाया जाए, क्योंकि सोनिया गांधी भी इस समय अब लोकसभा में नहीं है, अब उनको राज्यसभा की सदस्यता है। तो कांग्रेस के पास एक बड़ा चेहरा जो बोल भी सके और मुद्दों को रख सके, तो वो सबको नजर आ रहा है कि राहुल गांधी है और अब 18वीं लोकसभा में उनको ये नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे वो जो मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जुड़े, अब वो देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी उन्हीं बातों को रख सके। जी बिल्कुल, और ये जाहिर सी बात है कि इस वक्त राहुल गांधी जिस तरीके से विपक्ष की एक मजबूत तस्वीर लेकर सामने आए हैं, और जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी का जिस तरीके से इस बार रिजल्ट आया है, परिणाम आया है, अच्छे खासे मतों के साथ उन्होंने जीत हासिल की है, उसके बाद उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ती हुई नजर पहले से ही आ रही थी, और अगर वो नेता विपक्ष की जिम्मेदारी संभालते हैं, अगर ये स्पष्ट हो जाता है अशरफ, तो जाहिर सी बात है कि संसद में सत्ता पक्ष के सामने एक मजबूत विपक्ष को पेश करना और उसका प्रतिनिधित्व करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अशरफ, बिल्कुल, देखिए क्योंकि अब बात है नंबर्स की, अभी तक कांग्रेस के पास अपने 17वीं लोकसभा में जो सांसद थे वो कम थे, 50 के आसपास 52 के नंबर थे, लेकिन इस बार उनके नंबर्स बढ़ गए हैं, अब वो 99 के आ गए, करीब करीब 100 मान के चलिए, तो वो है। और हो सकता है कि कुछ जो इंडिपेंडेंट है, निर्दलीय है, वो भी कांग्रेस के खेमे में आ जाएं, हो सकता है। तो एक नंबर है कि 100 या 100 के ऊपर या 100 के आसपास की स्थिति रहेगी। तो ऐसी स्थिति में जो बात अपनी जनता की जो राहुल गांधी करते आए हैं, चाहे वो किसानों की हो, चाहे वो महिलाओं की हो, चाहे वो महंगाई की हो, तो उन सब मुद्दों को मजबूती के साथ आवाज देने का काम नेता विपक्ष का होता है। तो इसी तरह ये जिम्मेदारी अब, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने परफॉर्म किया और जो नतीजे आए, तो उसका श्रेय कांग्रेस को के जितने नेता हैं वो राहुल गांधी को दे रहे हैं, और इसी वजह से उनको आगे जिम्मेदारी भी नेता विपक्ष की राहुल गांधी को दी जा रही है। और इसके पीछे एक तो यही कि उन्होंने बहुत अच्छे से पार्टी को रिफॉर्म किया, एक बुरे दौर से गुजर रही थी उसमें उनको निकाला, और दूसरा ये कि जो अभी तक उनके पास अधीर रंजन जो उनके नेता थे नेता विपक्ष लोकसभा में, वो चुनाव हार गए हैं, तो अब कांग्रेस के पास राहुल गांधी के अलावा और कोई मजबूत चेहरा नजर नहीं आ रहा जो जनता की बिल्कुल आवाज बने। अशरफ, आपको रोकना चाहेंगे, शुक्रिया जानकारी के लिए। और इसी बीच अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनाते हैं। सब के लिए खुशी की बात होती है, लेकिन खुशियों पे बस किसी का नहीं चलता है, लेकिन जहां कहीं भी नेताजी रहे होंगे या होंगे,
उन्हें अच्छा लग रहा हो कि समाजवादियों ने आज उत्तर प्रदेश में बहुत सीटें जीती हैं। जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा रहा, जीत का मार्जिन पहले दिन से लेकर चुनाव के आखिरी दिन तक पीडीए कहा, आपको लग रहा वही की फैक्टर भी बना? देखिए पीडीए की लड़ाई बड़ी है और पीडीए के लिए लोगों को जागरूक करना, पीडीए आंदोलन के लिए लोगों को जोड़ना, पीडीए के तमाम सवाल हैं उनका जवाब सरकार से मांगना। मान लीजिए सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जेएनयू है, क्या पीडीए परिवार वहाँ 15% से भी ज़्यादा है? क्या 15% से भी ज़्यादा है वहाँ पर? मान लीजिए और प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें पीडीए परिवार के लोग कितने हैं? तो पीडीए की जीत जरूर हुई आज यूपी में, लेकिन पीडीए को लेकर के लड़ाई जो लड़ी जा रही है वो लंबी लड़ाई है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी लड़ते थे, डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी ने जो अपने जीवन भर लड़ने का काम किया, नेताजी ने वो रास्ता हम लोगों को दिखाया है, उस रास्ते पे लगातार हम लोग चले। देखिए इस वक्त अखिलेश यादव दिल्ली में है और काफी हलचल हो रही है, हालांकि मीडिया जो है मौके पर पहुंची हुई है और सियासी समीकरणों को लेकर जो बातचीत हो रही है, अखिलेश यादव अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से आप सुनिए क्या कुछ कहना अखिलेश यादव का। तो दिल्ली में इस वक्त मौजूद है और जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से अभी लगातार बातचीत हो रही है और जैसा अभी हाल ही में एक खबर आई है कि राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाया जाएगा, उन तमाम समीकरणों को लेकर बातचीत, और अखिलेश यादव इस वक्त दिल्ली में हैं। और चलिए अब देखेंगे तेज अंदाज में खबरें।